नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज की हम टुडे ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपकी 31 जनवरी तक केस फाइनल होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, क्या है अपडेट, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक आज बड़ी अपडेट आई न्यूज पेपर के माध्यम से कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में देश तक लिखित बयान दाखिल करें वकील। हाई कोर्ट ने मामले को जल्द निस्तारण के मद्देनजर दिया है निर्देश। उसके बाद दोस्तों आज की एक और अपडेट थी, आपने देखा होगा कि स्कूल की चाबी नहीं दी तो हो जाएगी कार्रवाई। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या हुआ। और 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस आपका दोस्तों 23 जनवरी को लिस्टेड हो चुका है। पढ़े केस से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी, ठीक है, क्या क्या जानकारी उसको देखेंगे। और दोस्तों एक और अच्छी अपडेट आई थी आपके लिए कि टीजीटी पीजीटी के 40,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों के 3,800 सहित विभिन्न विभागों में खाली पद भरने के लिए जल्द भर्ती की मांग भी की जा रही है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जिन छात्रों की भाई नौकरी इस बार नहीं लग पाएगी तो उनके लिए दोस्तों कुछ बड़ी वैकेंसियां इंतजार कर रही है। ये दोस्तों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या आपको ये देखने को मिलेगी कि जो बच्चे बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं उनको दोस्तों इसमें मौका नहीं मिलेगा। मतलब साफ है दोस्तों, डीएलएड के छात्रों को इस वैकेंसी में मौका नहीं दिया जाएगा। तो मतलब जो छात्र टीजीटी पीजीटी के हैं, मतलब इस वैकेंसी में दोस्तों सिर्फ बीएड के छात्रों को ही मौका दिया जाएगा। पहले दोस्तों देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या अपडेट आई थी, आइए उसको देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 23 तक लिखित बयान दाखिल करें वकील। हाई कोर्ट ने मामले के जल्द निस्तारण के मद्देनजर दिए हैं निर्देश। पूरी अपडेट है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों की विशेष अपील पर उनके वकीलों को लिखित बयान 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश इससे संबंधित अपीलों पर दिया। इस मामले में फाइनल सुनवाई जारी है। इस मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य सरकार को भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए दोस्तों आपके 40% रखे जाने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितंबर को दलीलें दी थी। इसके बाद से दोस्तों अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी को नियत की है। ठीक है दोस्तों, बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय कर दी थी। इसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई और उक्त निर्देश दिए गए थे। बीते शनिवार को मामले की फाइनल सुनवाई जारी रही। याचियों के वरिष्ठ वकील प्रशांत चंद्रा के सुझाव पर और हाल ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर अदालत ने मौखिक बहस को सीमित करने की से संबंधित मतलब पक्षकारों के वकील को लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिए जिससे दोस्तों इस मामले का जल्द निस्तारण किया जा सके। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। मतलब दोस्तों आपकी राजधानी का मतलब है लखनऊ और दिल्ली भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज एक और अपडेट आई थी कि भाई स्कूल की चाबी नहीं दी तो हो जाएगी कार्रवाई। तो ऐसा मैं नहीं लगता कहीं हुआ है, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वैकेंसी वाली देखेंगे, जो 40,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं छात्र, क्या है पूरा मामला उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों आज की न्यूज पेपर के अपडेट से आपने एक बात समझ ली कि आपका जो मामला है वो 23 जनवरी को दोस्तों आप देखिए इतने दिन से आपकी बहस हो रही थी घुमा फिराकर बी एड हो रहा था ना। तो दोस्तों आप इनको 23 जनवरी तक, मतलब दोस्तों आने वाली अगली 23 तारीख को इन्हें लिखित रूप से देना पड़ेगा कि भाई वो क्या सबमिशन देना चाहते हैं। तो जस्ट आप दोस्तों उसको खुद ही पढ़ लेंगे और खुद ही समझ लेंगे कि आखिर वो क्या बोलना चाहते हैं। तो मतलब दोस्तों साफ है कि यार 23 जनवरी ही वो अंतिम तिथि होगी दोस्तों जहां तक इनका जो भी लिखित सबमिशन है, आप देख रहे होंगे आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर है न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 23 तक लिखित मतलब बहस दाखिल करे वकील। तो सारी दोस्तों जब बहस आपकी दाखिल हो जाएगी तो मतलब साफ है दोस्तों कि आपका 31 जनवरी तक हो सकता है कि आपका ऑर्डर को रिजर्व कर दिया जाए। केस फाइनल होने का मतलब दोस्तों ये नहीं होगा कि यार सब कुछ हो जाएगा, मतलब मेन होगा अभी दोस्तों आपका पहला दोस्तों स्टेप होगा कि आपका ऑर्डर को रिजर्व कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ऑर्डर भी रिजर्व हो जाता है 31 तक तो भी दोस्तों आपके लिए ये बड़ी जीत होगी कि आपको लग रहा था कि यार दिसंबर तक ये केस फाइनल हो जाएगा, नवंबर भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों खींचते खींचते नए साल तक आ गया आपका मामला। तो अब दोस्तों इनको 31 तारीख तक दोस्तों अपनी जो लिखित बहस होगी उनको दाखिल करना पड़ेगा। मतलब 31 क्या दोस्तों, ये तो 23 तक ही करना है, लेकिन दोस्तों 31 तक पूरी उम्मीद है कि आपका केस फाइनल कैसे हो सकता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ से दोस्तों हो सकता है कि 40 और 45 जो पक्ष है उनको थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि अभी तक दोस्तों इतने तर्क ये देते थे, जैसे बहस होती थी दोस्तों वहां पर तर्क दिया जाता था कि हम इस तर्क के आधार पर 40 और 45 कट ऑफ चाहते हैं, जैसा आप उसको सुनते थे
एनालाइज करते रहे होंगे, वो खुद भी लिखते होंगे कि हाँ यार ये पॉइंट ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्तों अब आपको लिखित सबमिशन देना, मतलब जैसे आपका लिखित पेपर नहीं होता है, एक होता है दोस्तों इंटरव्यू वाला पेपर, इसमें आप कुछ बना सुना कर भी बोल देते हैं, मतलब जस्टिफाई कर देते हैं अपने आंसर को। लेकिन दोस्तों जब आपको लिखित तरीके से देना होगा तो वो उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर आप बहस करते हैं तो उसमें जस्ट आप आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ क्या क्या है, कैसे मैटर है, क्या होना है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी आप लिख कर दे देंगे वही आपकी फाइनल बहस समझी जाएगी और उसी के आधार पर दोस्तों आपका रिजल्ट या निर्णय जो होता है, ऑर्डर होता है, उसको जारी किया जाएगा। अब सिंपल सी बात आएगी कि किसका पक्ष मजबूत है, 40-45 का, 60 या 65 का, ठीक है ना। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा, जब आपका लिखित सबमिशन होगा तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 60-65 ने दोस्तों अपना तर्क तो दे दिया, जो भी इनको कहना था दे दिया इन्होंने अपना तर्क में दोस्तों, ये बातें थोड़ी ज्यादा मतलब हाईलाइट की थी कि भाई सरकार के पास पावर है, और जो भी दोस्तों पिछली शिक्षक भर्ती या सुपर टेट का जो आपका विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें साफ साफ एक चीज लिखी है कि जो ये पेपर होगा वो सिर्फ उसी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, और मतलब उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती है उसी शिक्षक भर्ती के लिए होंगे। तो मतलब दोस्तों जो 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी उसकी विज्ञप्ति अलग थी, 69,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति अलग थी, दोनों के दिशा निर्देश अपने अलग अलग थे, ठीक है ना। इसमें तो बच्चों की, छात्रों की थोड़ी सी संख्या बढ़ गई, भले 500 छात्र दोस्तों बढ़े हो लेकिन उसका नाम बदलना ये बड़ी बात होती है, इसको ध्यान में हमेशा आपको रखना है, ठीक है ना। जैसे यूपी टेट का दोस्तों आप पेपर देते होंगे तो हर साल यूपी टेट के नाम से ही फॉर्म आता है, 2018 हो जाता है, फिर 2019 हो जाता है, मतलब यूपी टेट का भी नाम नहीं चेंज होता। लेकिन यहाँ शिक्षक भर्ती में दोस्तों अब ऐसा नहीं कह सकते कि 68,500 वही है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती है। अभी दोस्तों आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले आपके 12,460 के लिए ऑर्डर जारी हुआ था, 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए आपका ऑर्डर जारी हो गया, मतलब दो बड़ी शिक्षक भर्ती है, ऑर्डर जारी हुआ, जीता वही दोस्तों 12,460 में, ये था ना कि रिक्त पद। जैसे दोस्तों होता क्या है, पहले होता था ये कि आपने जहां से बीटीसी या डीएलएड कर रखा है, अगर आप बीटीसी पहले नाम था इसका, तो अगर आप मान लेते आपने बीटीसी लखनऊ से किया है, ठीक है, तो दोस्तों आपकी नौकरी लखनऊ में ही लगेगी, आप किसी दूसरे जिले में नहीं जा सकते। हुआ उस समय ये था दोस्तों कि मान लेते किसी और जगह भाई कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब अगर आप रहते हैं आगरा में, वहां पर दोस्तों आपके एक भी पद के लिए वैकेंसी ना आए और लखनऊ में 100 पद के लिए आ जाए, तो आपको होगा ना कि अगर हमने आगरा मतलब लखनऊ से वैकेंसी बीटीसी क्या होता तो हमें नौकरी मिलती, आगरा में मतलब एक भी पद के लिए वैकेंसी नहीं आई, तो दोस्तों बच्चों को नुकसान भी हुआ था, वही सब बातें थी। लेकिन दोस्तों जज साहब ने बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने ये कहा कि आप जहाँ के निवासी होंगे, जहां से आपने बीटीसी कर रखा होगा, वहां की दोस्तों आप लैंग्वेज और वहां की भाषा में पकड़ आपकी बहुत ही अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। अगर कोई छात्र मतलब भाई आपने देखा लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है ना, तो जो वहाँ के टीचर होंगे, जो वहां से पढ़ाई किए होंगे, वो भी एक नवाब होंगे। आप कोई छात्र आगरा से जाता है तो वो अपने आप को नवाब थोड़ी नहीं कहेगा, तो मतलब उन छात्रों को वही लड़के ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, समझ पाएंगे जो उनके साथ रह चुके हैं। ये जस्टिफिकेशन कुछ ऐसा था, लेकिन बहुत ही अच्छा था दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी 68,500 जो आई उसमें जैसे सामने साफ साफ कहा कि भाई खेल शुरू होने के बाद उसमें नियम में बदलाव नहीं हो सकता, तो दोस्तों उसमें फाइनल कटआप आपकी 40-45 रखी गई, 30-33 की वहां हार होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एक तर्क दिया जा रहा है कि हमारा खेल शुरू हुआ ही नहीं है। 69,000 दोस्तों और 68,500 दोनों सिमिलर वैकेंसी हैं। पहले हम आपको एक चीज बता दें, कुछ चीजें, कि जब जज साहब ने 68,500 में ये कहा कि खेल शुरू होने के बाद आप नियम नहीं बदल सकते, तो दोस्तों वैसे तो 69,000 में भी है, लेकिन 69,000 में अलग ये बात है कि यहाँ पर कोई भी कटाप का जिक्र था ही नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं था, मतलब शून्य कटाप थी। यहाँ पर पहले से 40-45 की डिस्कशन थी, उसको सर भाई बदल के 30 और 33 किया गया, ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि भाई खेल शुरू होने के बाद कोई भी कटाप बदलना नहीं जा सकता, मतलब कटाप को चेंजेस नहीं हो सकता एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है, यहाँ पर कटाप 0 थी पहले, 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं मानेंगे, तो मतलब हम 0 समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अब क्या क्या होता है, तो और भी अपडेट्स के लिए आप लोग के साथ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ से कि किसका पक्ष मजबूत है, तो दोस्तों अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि 40-45 की जीत होगी या 60-65 की होगी, क्योंकि ये लिखित सबमिशन के बाद ही दोस्तों कंफर्म हो पाएगा कि किसका पक्ष मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने देख लिया होगा कि आपने भाई बहस अगर आपने सुनी हो तो आपने 60-65 टीम की तो बहस पूरी तरीके से सुनी, 40-45 में आप बहस इसलिए नहीं सुन पाएंगे कि आपने देखा होगा इतने लंबे समय से, यार दिसंबर निकल गया, मतलब एक साल निकल गया, 2019 में बहस करते करते 2020 में पहुंच गए, मतलब इनकी बहस खत्म ही नहीं हो रही, बीएड का मुद्दा ले रखा, बीएड बीएड बीएड, उससे कुछ नहीं होना। आप देखिए इनको एक तरह से नुकसान भी होगा, ये अपने आपको उतनी अच्छे से क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, समझ रहे इस बात को। लिखित में आप दोस्तों जो लिख के दे देंगे जज साहब उसमें क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं करेंगे, आपने लिख के दे दिया उसको पढ़ लिया गया उसी के आधार पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
ये 60-65 की जीत हुई है, 40-45 की। लेकिन दोस्तों एक तरह से इनका पक्ष यहाँ पर कमजोर होगा, 60-65 टीम का पक्ष मजबूत होगा, 40 और 45 टीम का पक्ष कमजोर होगा। वो इन्हीं की गलती से भी होगा क्या, और इसको भी याद रखिए, 40-45 टीम ने जो अपना पक्ष कमजोर किया है ना, खुद की गलती से किया है। तो देखते हैं दोस्तों, और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपडेट देते रहेंगे। तो अब आपको फिलहाल 23 जनवरी का इंतजार करना है। 23 जनवरी को दोस्तों जो भी प्रॉपर अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे, लेकिन पूरी संभावना है दोस्तों कि 31 जनवरी या इसी महीने में, इतना समझ के चलना आपको दोस्तों, जनवरी 2020 में आपका केस फाइनल हो जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, फाइनल होने का मतलब ये नहीं कि भाई ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर रिजर्व होना ही दोस्तों आपके लिए आधी जीत हो जाएगी। कितने दिन से दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही कि ऑर्डर रिजर्व होगा, रिजर्व होगा। देखिए रिजर्व होने के बाद फायदा ये होगा ना कि डबल बेन से आपको छुटकारा मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपका ऑर्डर जारी होगा, उसमें आपको ये पता चलेगा किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए स्टे कनेक्टेड, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है दोस्तों, पुरानी शिक्षक भर्ती से दोस्तों सब कुछ निकाला जाता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।